हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानसिक मंद बालक या मानसिक रूप से मंदित बालक, ऐसे बालक जो मेंटली थोड़ा कम होते हैं, मतलब जिनका IQ लेवल कम होता है, तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मानसिक मंद बालक कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मानसिक मंद बालक कौन होते हैं और उनके बारे में जानेंगे और उनकी कुछ पहचान जानेंगे और उनकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछा 3 क्वेश्चन गया है और उस क्वेश्चन को आप सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मंद बुद्धि बालकों की मानसिक विशेषताएँ कौन कौन सी होती हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर आप लोग इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो भी अपने से अगर समझ रखे होंगे, पिछला वीडियो देखे होंगे तो कर लेंगे। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब डिस्ग्राफी आप लोग जानते हैं, उसे से आप क्या समझते हैं? आगे देखिए, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। अधिगम अक्षमता वाले बालकों को ही मानसिक मंद बालक भी कहते हैं, मतलब इसको मानसिक मंद बालक को अधिगम अक्षमता वाले बालक भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आज हम दोस्तों इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मानसिक रूप से मंद बालक, ठीक है, तो इनको एक लाइन में, मतलब एक शब्द में एक चीज और कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मानसमंद बालक। क्या? मानसमंद। ये दोस्तों इनको मानसमंद बालक भी कहा जाता है। मान मीन्स मस्तिष्क, सा मीन्स सा मंद, मस्तिष्क से मंद बालक को मानसमंद बालक, मतलब मानसिक रूप से मंद बालक को मानसमंद बालक भी कहा जाता है, ध्यान दीजिए, ठीक है? अब ये होते कौन से हैं? तो ऐसे बच्चे जिनका शैक्षिक उपलब्धि क्या होता है? सामान्य बच्चों से कम होता है, ऐसे बच्चे मानसमंद बालक या मानसमंद बच्चे कहलाते हैं, ठीक। ऐसे बच्चे क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं पूर्ण रूप से, ना तो शिक्षा में, ना तो किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम मानसमंद या मानसिक रूप से मंद बालक कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए, अब बताइए कि बच्चे का शैक्षिक उपलब्धि या बच्चे का IQ लेवल, बच्चे का मानसिक स्तर कम है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को क्या होता है दोस्तों? IQ लेवल भी क्या होता है? कम होता है। मस्तिष्क में जो होता है, जो कैचिंग पावर होती है, मतलब कुछ चीज़ समझने की क्षमता होती है, वो कम होती है। वो अधिगम कुछ चीज़ सीखते हैं, बहुत देरी से सीखते हैं। तो ये सभी हमारी क्या होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, किसकी होती है? मानसिक रूप से मंद बालक की हमारी विशेषताएं होती हैं या पहचान होती है। समझ गए आप लोग कौन से मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं? आप लोग समझ गए होंगे, जिनका IQ लेवल कम होता है, सामान्य कार्य को अपने जिस मतलब किसी कार्य को सामान्य बच्चे से थोड़ा देरी में करते हैं, या समझने में सामान्य बच्चों से कम समझते हैं, सच उपलब्ध सामान्य बच्चों से कम होती है, तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं? मानसिक रूप से मंद बालक कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार एक परिभाषा देख लीजिए क्या है, कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, क्या होती है? 70 से कम होती है, उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। अगर आपने पहला सेमेस्टर पढ़ा है तो पहले सेमेस्टर में था कि किस स्तर से किस स्तर तक बच्चे मंद बुद्धि के, सामान्य बुद्धि के और प्रतिभाशाली बुद्धि के होते हैं, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार ये परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब देखिए, मंद बुद्धि बालकों के प्रकार, ये आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में। तो मंद बुद्धि के बालकों का प्रकार कितने प्रकार से होता है? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा क्या होता है? मंदित मना बालक, ठीक है। क्या है दोस्तों? मंदित मना बालक। और दूसरा, धीमी गति से सीखने वाले बालक। अब देखिए, तो ऐसे बालक जिनका IQ लेवल क्या होता है दोस्तों? 60 से कम होता है, मतलब इनका IQ लेवल क्या होगा? 60 से कम होगा, तो ऐसे बालक मंदित मना बालक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कि इनका जो मानसिक विकास की ग्रंथियां होती हैं, इनके ग्रंथियों में विकास कम होता है, ठीक है। ये लोग थोड़ा सा मूर्ख, जैसे ना बोलते हैं मंद बुद्धि,
ठीक है, एक धीमी गति से सीखने वाले, एक मंद बुद्धि से। तो ये मतलब एक मूर्ख टाइप के व्यक्ति होते हैं, मूर्ख नहीं कहना चाहिए दोस्तों, जड़ मूर्ख, जैसे जड़ बुद्धि जिसे कहते हैं, जड़ मूर्ख टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मतलब इनको मतलब समझ लीजिए आप कि ऐसे बच्चे जिनका मतलब एकदम माइंड जो है एकदम मूर्ख की तरह होता है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मंदित मना बालक कहलाते हैं। आप उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं, अब देखिए धीमी गति से सीखने वाले बालक, तो धीमी गति से सीखने वाले बालक क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से थोड़ा सा धीमे सीखते हैं। ठीक है, कैसे दोस्तों, थोड़ा सा धीमे सीखते हैं, तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले बालक कहते हैं। इनका आईक्यू स्तर क्या होता है, ठीक ठाक होता है, मतलब सामान्य बच्चों की तरह होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, परिपक्वता की थोड़ा कमी होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास और आत्मप्रतिष्ठा थोड़ा मतलब थोड़ा सा इनका कम आता है, इनके अंदर जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं दोस्तों, वो कम होता है, इसीलिए बच्चे थोड़ा सा मतलब जैसे सीख नहीं पाते हैं, सीखने में थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा असक्षम फील करते हैं, तो ऐसे बालक धीमी गति से सीखने वाले बालक कहलाते हैं। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, मंदित मना बालक जो एकदम मतलब एकदम जड़ बुद्धि टाइप के बालक होते हैं वो मंदित मना बालक कहलाते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बालक जो जो बच्चे होते हैं लेकिन उनका लगभग आईक्यू लेवल सबका सेम भी होता है सामान्य बच्चों की तरह, लेकिन वो सीखते हैं थोड़ा, उनके अंदर परिपक्वता थोड़ा कम आती है, कुछ बच्चों के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। ठीक है, तो मंद बुद्धि के बालक कितने प्रकार के हो गए दोस्तों, दो प्रकार के हो गए। अब देखिए धीमी गति से सीखने वाले बालकों को अगर हम शिक्षा दें तो क्या इनके अंदर कैसे, भाई बच्चा हमारा सब कुछ ठीक है, बस उसके अंदर थोड़ा सा आप मोटिवेशन, आत्मविश्वास, ये सभी की भावना अगर आप उसके अंदर धीरे धीरे मतलब डेवलप करेंगे तो बच्चा आराम से सीख जाएगा। मतलब पहले जैसे ऐसे बच्चा है जो धीमी गति से सीख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऐसे बच्चों को मतलब पहले साधारण सा कार्य कर मतलब उनका होमवर्क कोई दिया जाए, साधारण सा कार्य, आसान सा कार्य दिया जाए और धीरे धीरे उनमें चेंजमेंट लाया जाए, तो धीरे धीरे ये बच्चे नॉर्मल बच्चे बन सकते हैं। लेकिन ये बच्चे मंदित मना वाले बच्चे ये नॉर्मल बच्चे नहीं बन सकते हैं, ये तो भाई इनका आईक्यू लेवल पहले से ही कम है। ठीक है, तो ये हमारे जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं इनमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन मंदित मना बालक में परिवर्तन तो आ सकता है इनमें भी, लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकता है। समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखिए मंद बुद्धि बालकों की पहचान कैसे करते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए मंद बुद्धि के बालक कौन से होते हैं, ऐसे बालक प्रायः शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं। इसका मतलब शारीरिक रूप से अयोग्य मतलब शरीर का कुछ अंग जो है उनका ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है, या वो सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, मंद बुद्धि के बालकों की पहचान होती है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए बुद्धिलब्ध द्वारा भी पहचान किया जा सकता है, और बुद्धिलब्ध द्वारा पहचान की जा सकती है, इस तरह से की गई पहचान सही होती है। तो इनका हम पहचान कैसे करते हैं, ऐसे देखते हैं कि जो बच्चे शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ डिसेबल दिख रहे हैं या संवेगात्मक रूप से अस्थिर हैं, अस्थिर मतलब मारपीट करने लगते हैं, झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं, और मतलब आईक्यू लेवल से भी इनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये हमारी मंद बुद्धि से पहचान, मंद बुद्धि के बालकों को पहचानने के तरीके, और तरीके भी दोस्तों हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या है, शैक्षिक तथा शारीरिक आलेख पत्र सहायक हो सकते हैं, और व्यक्तिवृत्त अध्ययन भी महत्वपूर्ण, मतलब इन सभी विधियों से एक हम मंद बुद्धि के बालक का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक कि दोस्तों मंद बुद्धि के बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़ेपन का आधार, बच्चे मानसिक रूप से पिछड़ते हैं, जैसे धीमी गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे पीछे हो जाते हैं, मानसिक रूप से क्यों पीछे होते हैं, इसका तीन कारण होता है, पहला शैक्षिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा व्यवहारिक। अब देखो शैक्षिक कारण क्या होता है, इसके बारे में अगर आप देखें तो अपने से भी क्वेश्चन इसके बारे में आप बनाकर लिख लेंगे कि बच्चा एक मानसिक रूप से क्यों पिछड़ता है, क्योंकि उसको उसके अनुसार शिक्षा नहीं मिल पाती है। जैसे बच्चा एक मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, वो 3 क्लास 3 में पढ़ रहा है, उसका एडमिशन थोड़ा बाद में हुआ, तो ऐसे बच्चे पीछे हो जाते हैं मानसिक रूप से, मतलब उनके अंदर वो चीज़ें डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जो है शैक्षिक स्तर से पिछड़ेपन के कारण। समाज में जानते हैं, समाज में बहुत सी कुरीतियाँ ऐसी हैं कि बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, और व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, बस पढ़ लीजिएगा। मानसिक रूप से पिछड़ेपन का आधार कौन कौन सा, शैक्षिक, सामाजिक, व्यवहारिक। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मान संबंध या मंद बुद्धि के बालकों की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। अब कौन कौन सी होती है दोस्तों, अगर इसके बारे में कहा जाए तो आप लोग अपने से भी कर ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे बच्चों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, मानसिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं और शैक्षिक विशेषताएं। चार विशेषताएं होती है दोस्तों, कौन सी, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विशेषताएं। अब देखते हैं मानसिक विशेषताएं। तो मानसिक विशेषताएं क्या होंगी, इनका वही होगा, आईक्यू लेवल कम होगा। क्या होगा दोस्तों, इनका क्या होगा, ये इनका बुद्धि लब्धि जो होगा वो सामान्य बच्चों से कम होगा, ठीक है। ये जन्मजात मानसिक क्रियाएं, इनेट मेंटल एबिलिटी, इनका सामान्य बच्चों से कम होगा भाई, तभी ना बच्चे ये हमारे मंद बुद्धि वाले बच्चे हो गए मानसिक रूप से। आगे देखिए, ध्यान केंद्रित करने में मतलब इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ पर इनका कंसंट्रेशन बनाने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, या इनका मतलब कोई चीज़ होगा स्मृति, मतलब जिसको कहते हैं मेमोरी, कोई भी चीज़ होगा उनको याद करने में समस्या हो जाती है। ध्यान मतलब किसी पर अगर कोई कंसंट कहीं पर ध्यान लगाना हो या इमेजिनेशन करना हो, ये सभी चीज़ें, या क्रिएटिविटी देखा जाए दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखा जाए, अगर मतलब अमूर्त चिंतन। अब बताइए, बच्चा का मानसिक स्तर खुद ही कम है तो अमूर्त चिंतन कहाँ कर पाएगा, लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं कर सकता है, मतलब तर्क शक्ति उसके अंदर नहीं विकास हो पाएगा। तो ये सभी मानसिक विशेषताएं होती हैं, किसके अंदर, मान संबंध या मंद बुद्धि के बालकों की विशेषताएं, जो मानसिक विशेषताएं होती है। क्लियर हो गया आपको यहां तक। आगे देखिए, अब देखते हैं सामाजिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए, सामाजिक विशेषता में ये बताइए, एक बच्चा हमारा मानसिक रूप से असक्षम है। अब असक्षम होगा तो अपना कार्य खुद से कर नहीं पाएगा, तो भैया ये दूसरों पर डिपेंड रहेगा हमेशा। ये बच्चा किस पर डिपेंड रहेगा, दूसरों पर डिपेंड रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक हैं वो किस पर, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। अपने पर मतलब खुद का काम खुद से नहीं कर पाते हैं, अपना सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, अपना केयर नहीं कर पाते हैं, सुपरविजन नहीं कर पाते हैं, मतलब अनैतिक क्रियाएं करने लगते हैं। अनैतिक क्रियाएं जानते हैं आप लोग क्या क्या होता है, ठीक है। तो समाज में क्या होते हैं, ये बाहर इनको बाहर कर दिया जाता है, इनको जो है समाज से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से इनको बाहर कर दिया जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, अब देखा जाए शारीरिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अब शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं दोस्तों, देख लेते हैं। अब देखिए, तो शारीरिक विशेषताएं क्या होती है कि संवेदीकामक विकास जो होता है इनको, जैसे सेंसरी मोटर जो होता है इनका विकास बहुत धीमे हो, क्योंकि धीमी गति से है तो सीखेंगे ना, कोई भी चीज़ सीखेंगे बहुत धीमी गति से सीखेंगे, ठीक है। जैसे चलेंगे भी धीमी गति से, दौड़ेंगे भी धीमी गति से, बोलेंगे भी धीमी गति से, और कोई भी कार्य करेंगे सब कुछ कवर इनका धीमा, मतलब इनका गाड़ी जो है इनका मतलब सब कुछ धीमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी शारीरिक विशेषताएँ होती हैं। और देखा जाए तो मतलब इनको जैसे अपने मतलब नॉर्मल जैसा ये बिहेवियर नहीं करेंगे, जैसे सामान्य बच्चों की तरह बिहेवियर नहीं करेंगे, अलग बच्चों की तरह बिहेवियर करेंगे। अक्सर क्या होगा कि ये शारीरिक रूप से मतलब ऐसे टाइप का लगेंगे जो मतलब विशेष टाइप का, जैसे अनाकर्षक, मतलब इनअट्रैक्टिव दिखते हैं, मतलब शारीरिक रूप से अलग इनकी बनावट थोड़ा दिख जाती है, क्योंकि बच्चा अगर ठीक से नहीं रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। इनमें इमोशंस नहीं रहेंगे, मतलब कोई जेलस नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब एकदम न्यूट्रल टाइप के लोग होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा शारीरिक विशेषताएँ। अब देखिए शैक्षिक विशेषताएँ क्या क्या होती हैं, क्या देख लेते हैं हम दोस्तों। तो शैक्षिक विशेषताएँ क्या होती हैं, आप लोग अगर नहीं बताएंगे ना तभी कर ले जाएंगे। अब इतना समझ गए होंगे कि भैया शैक्षिक विशेषता क्या होगी, कि बच्चा सीखेगा बहुत धीमे गति से, क्या अगर कुछ चीज़ सिखाएंगे कोई उसको, बच्चे को पढ़ाएंगे तो बहुत धीमे गति से सीखेगा। दूसरी बात कि शैक्षिक उपलब्धि, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ेगा तो बहुत जल्दी भूल जाएगा, कोई कठिन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसको हवा ही नहीं लगे, उड़ जाएगा ऊपर से, तो भैया ये सभी चीज़ होगा। और सरल एवं मतलब सरल से सरल विषय को पढ़ाएंगे तब भी वो नहीं सीख पाएगा, उसको लगेगा पहाड़ हम पढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा, ठीक है। भाषा विकास उसका इतना अच्छे से होगा, समझ लीजिए कि आप पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे, भाषा विकास जल्दी नहीं होगा। तो ये सभी समस्याएं होती हैं, क्या हो जाएगा, ये सभी समस्याएं चाहे ये सभी विशेषताएं समझिए किस में होती है दोस्तों, मान संबंध या मंद बुद्धि के बालकों की विशेषताएं होती हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेखन अयोग्यता, जिसको कहते हैं डिसग्राफिया। और देखिए डिसग्राफिया यहाँ हमने लिख दिया है, यह डिसग्राफिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा लिखता तो है,
लेकिन ढंग से लिख नहीं पाता है, ठीक है, लिखता है तो लेकिन ढंग से लिख नहीं पाता है, तो इस समस्या को हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। तो लेखन संबंधी लेखन संबंधी योग्यता को डिसग्राफिया के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई बच्चा लिखता है लेकिन उसको सही से लिख नहीं पाता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, डिसग्राफिया। आप समझिए, ग्राफ से, ग्राफ कितना समझते हैं ना, ग्राफ से याद, आप लोग याद कर लीजिएगा, डिसग्राफिया लेखन संबंधी अयोग्यता। ये जानते हैं आपका सीटेट ले लीजिए, टेट ले लीजिए, यूपी टेट ले लीजिए या सुपर टेट ले लीजिए, सबका फेवरेट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसफेजिया, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिसग्राफिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, इस अयोग्यता के कारण बालक नियमों का पालन ना करते हुए खराब लेखन करने लगता है। बच्चा क्या करता है, डिसग्राफिया में समझ लीजिए कि बच्चे का लिखने का ऐसा तरीका रहेगा, ऐसा लिखेगा कि उसको डॉक्टर भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो लिखना ऐसा लिखेगा कि बच्चा खुद ही नहीं पढ़ पाएगा लिख करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस वजह से भाषा में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, भाई बच्चा गलत लिखेगा, खुद पढ़ नहीं पाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, भाषा उसकी सही से विकसित नहीं हो पाएगी। और देखिए क्या होता है उसमें, बच्चा में क्या कमी होती है, अक्षरों की बनावट ठीक से नहीं होता है, उसका जो ऊपर वाला लाइन खींचता है सिरोरेखा वो भी ठीक से नहीं खींचेगा, दो शब्दों के बीच की दूरी कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सभी हमारे कमी समस्या आती है कि इसमें डिसग्राफिया, जिसको कहते हैं लेखन संबंधी अयोग्यता, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए यहाँ आपका टिक लगा दे रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेखन संबंधी अयोग्यता किसे कहते हैं, बच्चा लिखने में कुछ असक्षम हो जाता है, मतलब ढंग से नहीं लिखता है, उसी को हम कहते हैं लेखन अयोग्यता या डिसग्राफिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, PDF इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जा करके जुड़ करके PDF को प्राप्त कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।